हेलो गाइस वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अमेरिकन स्कूल या कल्चर एरिया रिफ्यूज तो गाइस अमेरिकन यानी जो अमेरिका में जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मैं उनकी बात कर रही हूँ तो अमेरिकन जो वादी या सांस्कृतिक क्षेत्रवादी इन्हें अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम आता है जिनमें आप uh, uh, फ्रांच बॉस का नाम ले सकते हो क्लार्क विस्लर का नाम आप ले सकते हो सारे इम्पॉर्टेंट्स नेम्स हैं एंड लोगों का स्टेटमेंट था कि एक ही क्षेत्र से संस्कृति सभ्यता विश्व में फैली होगी एंड यह एक बहुत बड़ा दावा है कि इतना बड़ा दावा करने से पहले हमें विश्व को एक ही संस्कृति के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसे बाँटना चाहिए एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग करते हुए देख लेना चाहिए कि जिस एरिया को हम एक कल्चरल यानी सांस्कृतिक का क्षेत्र निर्धारित करने लगे हैं उसमें एक से उपकरण एक जैसा औजार इस्तेमाल होते हैं तो औजार यानी कि टूल्स यूज़ होते हैं एक ही तरह जो आर्ट्स है लैंग्वेज है एक जैसा ही एक ग्रुप है एंड जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है जो उनका इकनॉमी है वो पाया जाता है सो इस प्रकार कल्चर्स के एक जैसे एरिया का पता लगा के उसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में हम कल्चर का डिफ्यूज़न पर विचार कर सकते हैं एंड क्लार्क विस्लर ने अमेरिका एंड अफ्रीका वहाँ देश में सांस्कृतिक क्षेत्र की दृष्टि से डिफरेंट डिफरेंट एरिया उन्होंने वहाँ पे निश्चित किए हैं जैसे आप ले लो नॉर्थ अमेरिका का नदन पार्ट से लेकर आर्कटिक के किनारे तक एंड उसके आसपास के प्रदेश में जैसे सिकिमो स्कीमो कल्चर एरिया का नाम दिया गया है तो संस्कृति क्षेत्र निर्धारित करने के लिए यह देखा गया है कि इन प्रदेशों में जो प्रजातियाँ जो रेसेस निवास करती हैं वे जो हैं प्रजाति की दृष्टि से भले ही डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनके जो हंटिंग करने का जो तरीका है जो टूल्स वो यूज़ करते हैं वो एक जैसे है कपड़े जो हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं उनके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है जो एस्पेक्ट्स जो है वो भी एक जैसे है तो उसी प्रकार एक दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है एंड जिसका नाम रखा गया है प्रशांत उत्तर पश्चिम तट ए पैसिफिक एरिया नॉर्थ वेस्ट कास्ट कल्चर तो इस एरिया में सब जगह एक सी वंशानुगत जाति व्यवस्था पाई जाती है एक से मार्केट व्यवस्था पाया जाता है रुपए पैसे सिक्के एक जैसे पाए जाते हैं अमेरिका में इस प्रकार के इन विद्वानों ने कल्चर के कई जो एरिया है वो डिक्लेयर किया है कि एक दूसरे से जो कल्चर विशेष गुण और संस्कृति संकुल के कारण अलग अलग है उसी प्रकार अमेरिका के तराई विस्लर आदि विद्वानों में अमेरिका महादेश देश को भी सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक क्षेत्र का उन्होंने उसका कैटेगराइज़ किया है जैसे अमेरिका महादेश ले लो आप तो महादेश को सांस्कृतिक केंद्र के दृष्टिकोण से बांटा गया है कई भागों में जैसे कि है मेडिटेर कल्चर एरिया है इजिप्ट कल्चर एरिया है सूडान कल्चर एरिया है एवस्टिन कल्चर एरिया है कॉन्गो कल्चर एरिया है इस तरह से कैटेगराइज़ किया गया है। तो ये सब सांस्कृतिक क्षेत्र इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक तत्वों की अभिन्नता के आधार पर किए गए हैं इनमें से एक एक क्षेत्र में सांस्कृतिक का जो है सांस्कृतिक का किसी अपने ही केंद्र से प्रसार हुआ होगा संस्कृति के क्षेत्र में कोई ऐसा केंद्र ढूंढा जा सकता है जिससे उस सांस्कृतिक का केंद्र कहा जा सके संस्कृति के क्षेत्र में प्रसार होते होते जब संस्कृति सभ्यता यानी सिविलाइजेशन प्रातः काल में पहुंचती है प्रांत पहुंचती है तब वहां संस्कृति में हल्का पना जाता है संस्कृति के इस प्रांत भाग को क्लार्क वेस्लर ने प्रांतीय संस्कृति का भी नाम दिया है तो ये सिद्धांत यानी इस, यान इस थ्योरी के जो भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे यानी आलोचक जो थे उन लोगों का कहना था कि जर्मन प्रसार वादों की तरह ये सिद्धांत भी सांस्कृतिक विशिष्ट गुण और सांस्कृतिक संकुल कल्चर कॉम्प्लेक्स के तुलनात्मक महत्व पर उतना बल नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए जैसे स्कीमो प्रजाति हैं प्रजाति के लोग बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं या उनके संस्कृति का विशिष्ट क्वालिटीज़ माना जाता है इसके साथ ही साथ सील नामक जानवर का शिकार करते हैं क्या जहाँ जहाँ बर्फ़ के बने मकान पाए जाएंगे तो वहाँ 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 पर इसकीमो कल्चर का विकास होगा क्या हम या समझेंगे कि सील का शिकार जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पर संस्कृति का प्रसार हुआ होगा असल में यह बात है इस दोनों में सिल्क शिकार नस्किन और कल्चर का भिन्न अंग है वहाँ बर्फ़ का मकान बनाना उतना भिन्न नहीं है यह भी हो सकता है कि